देखिए बहुत ही सुंदर सा डिजाइन है। इस डिजाइन को आप लेडीज कार्डिगन में, लेडीज जैकेट में, जेंट स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, गर्ल्स टॉप में, कैप में, कुर्ती में, सॉक्स में, किसी में भी डालिए। ऑल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में बहुत ही आसान है। राइट साइड से ये इस तरह से नजर आता है और रॉन्ग साइड से ये इस तरह से नजर आएगा। चार सिलाइयों का डिजाइन है, रॉन्ग साइड से बनना शुरू होता है और चार सिलाइयों में बन के कम्प्लीट हो जाता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें चार के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा प्लस करेंगे। जैसे चार गिनेंगे, फिर से चार, 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 लास्ट में आपका एक फंदा एक्स्ट्रा होना चाहिए तो डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। और बहुत ही प्यारा सा देखिए डिजाइन हमारा बन के आया है। ये मेरी नॉर्मल वूल है और मैंने इसमें 10 नंबर की सिलाई यूज की है। अगर आप इसको इस नॉर्मल वूल में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप इसको बुनना चाहते हैं तीन तार वाली 3-ply वूल में तो आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। तो देखिए यहाँ पर मैंने चार के मल्टीपल फंदे डाले हैं, 4 × 20 और एक फंदा प्लस किया है, 21 फंदे डाले हैं। 2 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बनाया है, एक उल्टा एक सीधे का। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है, यहाँ से हम इस डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, रॉन्ग साइड है, फर्स्ट रो है डिजाइन की, तो बुनेंगे फर्स्ट फंदा हम यहाँ पर ऐसे उल्टा बनाएंगे। स्लिप कीजिए या आप बनाइए, आपकी अपनी मर्जी है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे और 3 फंदे ऐसे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3। अब देखिए इन 2 फंदों को छोड़ के इन्हीं 4 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। 2 रिपीट कंप्लीट हुए, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ रखेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे और फिर इस फंदे को सीधा बनाएंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ, लास्ट का एच स्टिच फंदा उल्टा बनाएंगे। तो ये डिजाइन की फर्स्ट रो बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए राइट साइड में सेकंड रो में। तो यहां से फर्स्ट फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे इस तरह से, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब देखिए एक ये फंदा है, ऊपर से धागा है, इन 2 फंदों को लेंगे इस तरह से ऐसे और ऐसे धागा घुमाएंगे, इसको बगैर बुना ऐसे उतार देंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2, 3। तो ये 2 फंदे स्टार्टिंग के छोड़ के इन्हीं 4 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो देखिए ये 2 फंदे हैं, एक फंदा है, एक ऊपर से धागा है रैप किया हुआ, इन 2 फंदों को लेंगे ऐसे, धागे को फिर से घुमाएंगे और इसको बगैर बुना उतारेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3। फिर से ये 2 फंदे हैं, एक फंदा है, एक धागा है, इसके दोनों में सिलाई डालेंगे, ऐसे रैप करेंगे और यहीं से ही छोड़ देंगे, इसको बुनेंगे नहीं, 3 फंदे उल्टे, फिर से इन 2 फंदों को लेंगे ऐसे धागा घुमाएंगे, ऐसे ही स्लिप कर देंगे, इसको बुनेंगे नहीं, आगे के 3 फंदे उल्टे, फिर से ये एक फंदा एक धागा, 2 में सिलाई डाल लेंगे, ऐसे धागा घुमाएंगे, स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, लास्ट का फंदा सीधा। तो ये सेकंड रो बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए तीसरी सिलाई रॉन्ग साइड में। तो फर्स्ट फंदा है एच स्टिच, इसको उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे,
धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए ये यहाँ पर आपको तीन फंदे नजर आएंगे, एक फंदा है, दो ये ऊपर से रैप किए हुए धागे हैं, तीनों में सिलाई डाल लेंगे, तीन का एक फंदा बनाएंगे। इसको गिराएंगे नहीं, फिर से धागा घुमाएंगे एक बार, फिर बुनेंगे। तो ये तीन फंदों से फिर से तीन फंदे बन गए। धागा पीछे करेंगे, अब ये तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। स्टार्टिंग के इन दो फंदों को छोड़ के इसी पैटर्न को फिर से रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, तीन फंदों में सिलाई डाल लेंगे, तीन का एक बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से तीन का एक बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, ये तीन फंदे सीधे। तो सेकंड रिपीट कंप्लीट हुआ। फिर से ऐसे ही करेंगे, धागा अपनी तरफ, तीन फंदों में सिलाई डाल लेंगे, ऐसे घुमाएंगे धागा, बनाएंगे तीन का एक, फिर धागा घुमाएंगे एक बार, फिर बनाएंगे। तो तीन फंदों से तीन फंदे बन गए। धागा पीछे करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। धागा अपनी तरफ करेंगे, अब ये तीन फंदों में सिलाई डाल लेंगे, तीन का एक बनाएंगे, फिर ऐसे धागा घुमाएंगे, तीन का एक फंदा फिर से बनाएंगे। अब इसको गिराएंगे, धागा पीछे, फिर से तीन फंदे सीधे, दो तीन। धागा अपनी तरफ, अब फिर ये तीन फंदे हैं, तीन का एक बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से एक बार बनाएंगे। तो तीन फंदों से हमारे फिर से तीन फंदे बन जाएंगे। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एच स्टिच फंदा उल्टा। डिजाइन की ये हमारी तीसरी सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए राइट साइड डिजाइन की चौथी सिलाई में। तो फर्स्ट फंदे को हम सीधा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक फंदा उल्टा है, ये तीन फंदे हैं, इसके आगे तीन फंदे उल्टे हैं। तो देखिए किस तरह बनाएंगे, जो ये तीन फंदे हैं इसमें से एक फंदा ये लेंगे, एक आगे से उल्टा फंदा, और इन दो फंदों का एक फंदा ऐसे आगे से सिलाई डाल लेंगे, दो फंदों में दो का एक बनाएंगे। अब ये एक फंदा सिंगल बनाएंगे, अब ये फंदा और ये उल्टा फंदा बैक लूप से सिलाई डाल लेंगे ऐसे, और दो का एक बनाएंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब ये एक फंदा ये उल्टा है, एक इसमें से लेंगे, यहाँ से इन दो फंदों का एक फंदा सीधा बनाएंगे आगे की तरफ से, ये सेंटर का फंदा सीधा, अब ये फंदा और ये उल्टा, यहाँ से दो का एक बैक लूप से बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब ये एक उल्टा, ये तीन फंदे हैं, एक इसमें से फंदा लेंगे और ये उल्टा, दो का एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, अब ये सीधा और ये उल्टा बैक लूप से दो का एक बुनेंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब ये तीन फंदे हैं, एक इसमें से और एक आगे से उल्टा फंदा, दो का एक फंदा आगे की तरफ से सीधा बनाएंगे, सेंटर का फंदा सिंगल बनाएंगे, एक ये सीधा लेंगे, एक ये उल्टा, यहाँ से बैक लूप से दो का एक करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब ये एक उल्टा, एक यहाँ से लेंगे, दो का एक बनाएंगे, बीच वाले फंदे को सीधा सिंगल बनाएंगे, ये सीधा ये उल्टा, इनका दो का एक बैक लूप से बनाएंगे, लास्ट का फंदा फिर से एच स्टिच है सीधा। तो ये चार सिलाइयों में इस तरह से डिजाइन हमारा बन के आएगा, रॉन्ग साइड से बनना शुरू होगा। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी वैसे ही चार सिलाई फिर से रिपीट करेंगे, सेम ऐसे ही बनाते जाएंगे और डिजाइन आगे बढ़ता जाएगा। अब फिर देखिए बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक स्लिप करेंगे, फिर तीन सीधे, इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। सेम जो चार सिलाइयां मैंने बुनी है, इन्हीं चार सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपका इस तरह से बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये डिजाइन बन के आ जाएगा। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडीज के, गर्ल्स के, जेंट्स के, बेबी के, किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, ऑल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये हमारा डिजाइन बन के आ गया है।
अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।